शहर में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, वो बहुत फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांच करवा ली गई, पर कुछ भी नहीं निकला। लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद आने को तैयार ही नहीं और ना ही बेचैनी कम होने का नाम ले रही। वो रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सा सुकून है, तो वो बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से वो एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वो आराम से बैठ गया। इतने में कुत्ता वहां पर आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वो दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही में बनी झुग्गी झोपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो और करीब गया तो एक झोपड़ी में से आवाज आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही है और ये बोल रही है, हे भगवान मेरी मदद कर, और रोती जा रही है। सेठ के मन में आया कि यहां से चलना चाहिए, कहीं कोई गलत ना सोच ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत रो क्यों रही है, उसको तकलीफ क्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहां जाकर दरवाजा खटखटाया। उस औरत ने दरवाजा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। उस औरत की आंखों में से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गोदड़ी में लिपटी हुई उसकी 7 से 8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा और मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूँ, मैं कैसे इलाज कराऊं इसका। सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत है, कोई भी देने को तैयार नहीं। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से मिल क्या जाएगा। औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, बोरी बिछाकर बैठ जाओ और रोकर गिड़गिड़ाकर उससे मदद मांगो, वो सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी और वो बहुत जोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज करवाया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी लिया। वो सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वो ये सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच कर ले गई, क्या यही ईश्वर है, और अगर ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए लड़ता क्यों है, क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी, बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में कभी भी नहीं मिला था। तो दोस्तों, मानव और प्राणी सेवा का धर्म ही असली इबादत या भक्ति है। अगर ईश्वर की कृपा या रहमत पाना चाहते हैं तो इंसानियत को अपना लीजिए और समय समय पर उन सबकी मदद कीजिए जो लाचार या बेबस है, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, आपने क्या महसूस किया, कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमेशा ऐसी कहानियां पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।